Hello viewers and this is your chef Jitendra Chamaria from JK Cookery Classes. So, आज के वीडियो में हम बनाएंगे प्लम केक, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है तो सबकी फरमाइश होती है कि प्लम केक खाई जाए. तो आज हम बनाएंगे प्लम केक. और प्लम केक बनाने के लिए हमें बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं जो हमारे घर में ईजीली अवेलेबल होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को सोक कर देंगे. अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/4 कप मिक्स फ्रूट जूस, या आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो. 1/4 कप चॉप चेरीज, 1/4 कप टूटी फ्रूटी. अभी मैं इसमें डालूंगा 1/4 कप ग्रीन रेजिन्स, 2 टीस्पून ब्लैक रेजिन्स एंड 2 टीस्पून ड्राई डेट्स. और हम इसे अच्छे से स्टर कर देंगे. अभी हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोक हो जाए. अभी हम बनाएंगे हमारा कैरेमल सिरप. हमने एक पैन लिया है, ये पैन मैंने पहले से गरम करके रखा है. अभी मैं इसमें डालूँगा 2 टेबलस्पून शुगर और हम इसे कैरेमलाइज कर देंगे. हम इसको कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा शुगर बर्न हो जाएगा. और फ्लेम हमें रखना है लो. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शुगर भी कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो चुका है. हम इसे अभी कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा शुगर बर्न हो जाएगा. हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक कि ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए और सारी शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. अभी हमारा शुगर भी कैरेमलाइज हो चुका है. अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वाटर और हम इसे हिला देंगे. अभी हमारा कैरेमल सिरप बन के भी रेडी है. हम इसे ठंडा कर देंगे. अभी हमारा कैरेमल सॉस बन के भी रेडी है. अभी हम इसे बाउल में निकाल के ठंडा कर देंगे. सो अभी हमारा ड्राई फ्रूट को सोक किए हुए भी 1 आवर हो चुका है. अभी हम इसे एक बार स्टर कर देंगे. इसमें हम डालेंगे हमारा कैरेमल सिरप जो हमने अभी बनाया है. इसे आपको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है. हम इसे अच्छे से स्टर कर देंगे. अभी हम हमारे मिल्क, ये मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क. इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 टीस्पून विनेगर और हम इसे मिक्स कर देंगे. ये हो गया हमारा इंस्टेंट बटर मिल्क. इससे हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है. अभी हम इसे 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे. अभी मैं इसमें डाल दूंगा हमारा 1/2 कप शुगर. ये मैंने घर का ही चीनी लिया है, मैंने इसको मिक्सर में पीस दिया है. आप पहले वो 1/2 कप लेंगे फिर उसको मिक्सी में पीस देंगे, ठीक है. अभी हम इसे भी अच्छे से इसमें डिसॉल्व कर देंगे. अभी मैं इसमें डालूंगा वेनिला एसेंस 1 टीस्पून. अभी हमारे शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है. अभी हम हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव कर देंगे. इसी बाउल में हमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेने हैं. ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1/8 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/8 टीस्पून कार्डेमम पाउडर. और मैं इसे अच्छे से छान लूँगा. छानने से इसमें एरिएशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है. अभी हम इसे मिक्स कर देंगे. हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करेंगे. अभी हम इसमें धीरे धीरे करके हमारा जो हमने बटर मिल्क बनाया था वो हम इसमें डालते जाएंगे. अब मैं इसमें हमारे बाकी के ड्राई फ्रूट डाल दूंगा. ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून आलमंड्स और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कैश्यू नट्स. अभी इसमें मैं डालूंगा 1/4 कप मेल्टेड बटर. आप बटर की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हो. आप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हो, जैसे कि सनफ्लावर, कनोला, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगा. कंपलसरी आपको इसमें मेल्टेड बटर ही यूज़ करना है.
ये मैंने सारे मेजरमेंट यूज़ किए हैं, उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेजरमेंट कैसे यूज़ करना है। और ये फुल रेसिपी के लिए मैंने 200 ml के कप्स ही यूज़ किए हैं, सो उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप उस पर एक बार क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि मेजरमेंट को कैसे फील करना है। सो अभी हमारा बैटर बन के भी रेडी है, अभी हम हमारे टिन को ग्रीस कर देंगे। इसके लिए मैंने टिन लिया है 8x4। आप टिन को कभी भी लेने जाओगे ना, तो आप उसका परफेक्ट साइज़ ही लेना, क्योंकि स्लाइस केक्स के परफेक्ट हाइट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया है 8 इंच और इसका विड्थ है 4 इंच, ठीक है। सो आपको ये साइज़ का ही टिन लेना है। इसे मैंने अंदर के साइड से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अभी मैं इसमें लगाऊंगा बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर, ठीक है। इसमें मैं बेकिंग पेपर लगा दूंगा, जिससे कि जब हम केक को डीमोल्ड करें तो वो क्रैक ना हो और हम उसे अच्छे से डीमोल्ड कर पाए, ठीक है। सो अभी मैं हमारा बैटर इसमें पोर कर दूंगा। अभी हम इसे एक कपड़ा रख के अच्छे से टैप कर देंगे, जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से लेवल हो जाए और इसमें कोई एक्स्ट्रा एयर बबल्स ना रहे। तो हम इसे अच्छे से 10-20 टाइम्स तक टैप कर देंगे। सो अभी हमारा बैटर बन के रेडी है, अभी हम इसे बेक कर देंगे। अभी हम हमारा होममेड ओवन प्रिपेयर कर लेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर ये हम एक नया मेथड लेके आए हैं। ये मैंने लिया है आयरन का तवा, ये आपको कंपलसरी लोहे का ही लेना है, क्योंकि लोहे में ना बहुत अच्छी हीटिंग होती है, ठीक है। सो ये मैंने पहले से प्री हीट करके रखा है। अभी मैं इसके ऊपर एक रख दूंगा हाइट, ये हाइट है 2 इंच का। थोड़ा सा और हाइट इंक्रीज करने के लिए मैं ये जो कुकर में रिंग आता है ना, ये मैं इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख दूंगा। और ये तवे का सर्कल है 12 इंच, और ये है पतीला। ये पतीला भी आपको एल्यूमिनियम का यूज़ करना है, और इसका तलिया भी मोटा होना चाहिए। इसका एक रीज़न ये है कि जब हम इसको उल्टा करके बेक करते थे ना, तो ऊपर एजेस में से उसका हवा निकल जाता था, तो हमने नीचे लोहे का तवा लिया है, जो यहाँ से हवा हीटिंग निकलेगा वो चलेगा, क्योंकि ऊपर से हीटिंग बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अंदर ओवन के जैसा हीटिंग होगा, तो हमारा केक सारे तरफ से अच्छे से इक्वली बेक होगा, ठीक है। सो अभी हम हमारे केक को इसमें बेक होने के लिए रख देंगे। सो अभी हमारा होममेड ओवन भी प्री हीट हो चुका है, अभी हम हमारा केक टिन इस पर रख देंगे और हम इसे 40-45 मिनट तक बेक करेंगे लो फ्लेम पर। टिन रखने से पहले आपको इसे 10 मिनट कंपलसरी प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम पे, फिर आप इसमें अपना केक टिन रखोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी 42 मिनट हो चुके हैं, अभी हम हमारे केक को चेक कर लेंगे। बी केयरफुल, ये बहुत ही गर्म है। सो अभी हमारा टूथपिक क्लीन आया है, मतलब कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। सो अभी इसे हम एक कूलिंग रैक पे रख देंगे और हम इसके ऊपर एक कपड़ा ढक देंगे, जिससे कि हमारा ऊपर का जो लेयर है वो ड्राई नहीं होगा, और इसके ऊपर एक जो पतली ड्राई कोटिंग आ जाती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कपड़ा ढका है। जो इसके वेपर ऊपर आते हैं ना, वो नीचे जाएंगे और उसका मॉइस्चर अंदर ही रहेगा, तो हमारा केक हार्ड नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम इसे 30 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सो अभी हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, अभी हम इसके साइड से स्क्रैप कर लेंगे एंड हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। सो हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, अभी हम इसका बेकिंग पेपर निकाल देंगे। जब भी आप सर्व करोगे और इसे कट करोगे ना, वो टाइम पे ही आपको इसका पेपर निकालना है, ठीक है। हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, मैं इसे आपको काट के दिखाता हूँ। अभी हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर देंगे। आपको इसे ब्रेड नाइफ से ही काटना है, इससे अच्छा कटिंग होता है और इसका फिनिशिंग भी अच्छा आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रेड नाइफ या सेरेटेड नाइफ। देखिए, इसके ड्राई फ्रूट भी पूरे केक में इवनली आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है हमारा केक, हर एक साइड से आप देख सकते हो, ठीक है।
सो अभी हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये मैंने क्रिसमस टॉयस आता है उससे मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। ये लोफ मैं यहाँ पे लाइन से रख दूँगा। जब भी आपको चाहिए आप इसके ऊपर कट नहीं करोगे, नहीं तो ऐसे रैशेस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक इसमें रिबिन लगा दी है। अभी मैं इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट कर दूँगा जिससे कि स्नो जैसा इफेक्ट लगे, ठीक है। सो अभी मैं इसके ऊपर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दूँगा एंड मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा सेंटा रख दूँगा और हमारा प्लम केक बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को हो सके उतना शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और एक ज़रूरी चीज़, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन दिया होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्विक नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस।